गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू मैटसी ओडिया। जय जगन्नाथ। तो आज आम मैंने तुमपाई कि क्वेश्चन नहीं आसी जेनेटिक्स मु सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट विषय एक मारिका क्वेश्चन गुड़िक अलरेडी डिस्कसन करदे। तो आज जेनेटिक्स आम कि एक मारिका क्वेश्चन उपर डिस्कसन्स करवा। आशा करुच्ची स्लाइड टी तुम मानी मानने जरूरी हे तुम एग्जाम रे। अच्छा, तो ये किसी क्वेश्चन्स तुम आनी गोटे गोटे करें आम क्वेश्चन गुड़ी को डिस्क्राइब करिबा। अच्छा, तो एक नंबर क्वेश्चन्स कौन कहूँ पिले देख कहूँ। हाउ मेनी ट्रू ब्रीडिंग पिया प्लांट वेराइटीज डिड मेंडेल सिलेक्ट एज पेयर व्हिच वेर सिमिलर एक्सेप्ट इन वन कैरेक्टर विथ कंस्ट्राक्टिंग ट्रेट्स। तांका कहया कथा हला से केते गोटी क्यारेक्टर बा ब्रीडिंग से जो पिया प्लांट उपर एक्सपेरिमेंट करथिले मेंडेल से केते गोटी कंस्ट्रक्टिंग क्यारेक्टर बा केते गोटी कंस्ट्रक्टिंग गुण को नेइ थिले। ऑप्शन ए अछि 1, ऑप्शन बी 14, ऑप्शन सी 8 एंड ऑप्शन डी अछि 4। तो राइट आंसर हबा पिले कोन ना 14। तो 14 इज द राइट आंसर। सातुटा थिला तो सातुटा से दीटा थिला ना, तो से सातुटा कंस्ट्रक्टिंग पेयर नेइ थिले। ट्रेट मीन गुण केतुटा क्यारेक्टर विथ कंस्ट्रक्टिंग ट्रेट बा केतुटा गुण तो माने से नहीं से 14टा। फॉर एग्जांपल हाइट, टॉलनेस, ड्वार्फनेस, पॉडर कलर ग्रीन येलो, सीड रो शेप राउंड रिंकिल। तो यही भली 7-7-14टी नहीं। अच्छा, आइडेंटिफाई द इनडायरेक्ट स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू द जीन्स आई कंट्रोल एबीओ ब्लड ग्रुप्स। अच्छा, कौन आधे आसो ना ए पर्सन विल हैव ओनली 2 ऑफ द 3 एलील्स व्हेन आई ए एंड आई बी आर प्रेजेंट टुगेदर दे एक्सप्रेस सेम टाइप ऑफ सुगर। एलील आई डज नॉट प्रोड्यूस एनी सुगर एंड द जीन आई हैज द 3 एलील। तो सी पचार कथा कौन आमको इनडायरेक्ट स्टेटमेंट्स आधार कौन जोटा कि आई आम मैंने समझ जाने मल्टीपल एलिजिम्स रे। फॉर एग्जांपल हो जी कौन एबीओ ब्लड ग्रुप। तो एबीओ ब्लड ग्रुप को कौ जीन कंट्रोल करी थाए? आई जीन कंट्रोल करी थाए। तो प्रथम ऑप्शन कौन अच्छी ये आम इनडायरेक्ट स्टेटमेंट ए पर्सन विल हैव ओनली 2 ऑफ द 3 एलील्स। सत कथा जो आई तुम कौन एबीओ को करुच्ची व्हेन आई ए एंड आई बी आर प्रेजेंट टुगेदर द एक्सप्रेस सेम टाइप ऑफ सुगर तुमर एबी रे एंड एलील आई डज नॉट प्रोड्यूस एनी सुगर किए कहला से सुगर प्रोडक्शन्स करी थाए। तो यहीटा तुम हम कौन ठीक आंसर जोटा कि आई जीन उपरे बा आई एबीओ ब्लड ग्रुप उपरे भूल कथा कहूचे। द नंबर ऑफ द कंस्ट्रक्टिंग कैरेक्टर स्टडी बाय मेंडेल फॉर हिज एक्सपेरिमेंट वाज समस्त जान के 7टी कंस्ट्रक्टिंग कैरेक्टर से पचार कौन कंस्ट्रक्टिंग ट्रेट्स कैरेक्टर्स विथ कंस्ट्रक्टिंग ट्रेट्स माने गुण ट्रेट्स मीन गुण। अच्छा, द बेस्ट एग्जांपल ऑफ प्लियोट्रोपी इज फेनाइलकीटोन्यूरिया कारण देख स्किन कलर को रिप्रेजेंट करुच्चे क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। कलर ब्लाइंडनेस है तुम एक्स लिंक इनहेरिटेंस। एबीओ ब्लड ग्रुप है तुम मल्टीपल एलीलिज्म्स। देन बाकी रहा फेनाइलकीटोन्यूरिया जोटा को प्लियोट्रोपी को कंट्रोल करुच्चे जीन्स आर कंट्रोल मोर दैन 1 क्यारेक्टर्स। अच्छा, देन आसला कौन the production of gamete by the parents, the formation of zygotes, the F1 and F2 plants can be understood using Punnett square। जो square टा हमें मैंने यूज करुचे square टा एक्चुअली एटा हमें एमती square यूज करुचे ना मोनोहाइड क्रॉस और डायहाइड क्रॉस को रिप्रेजेंट करला बेले सेटा हमें Punnett square बोली कहूचे। तो करेक्ट आंसर हबो कोन ना Punnett square। इन Antirrhinum तो गो स्नैपड्रैगन्स ए रेड फ्लावर But a plant species. A red flower was crossed with a white flower and in F1 generation pink flower were obtained. When pink flower were shelved, the F2 generation show white, red and pink flower। हम मैंने समझते जाने जैसे कौन कौन incorrect statement कोटा मुझे पता चली। Pink flower in the F1 is due to the incomplete dominance। ठीक है जी। Ratio of F2 is equal to 1/4 red, 2/4 pink and 1/4 white। ठीक अच्छे। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन डज नॉट अप्लाई इन दिस एक्सपेरिमेंट एंड दिस एक्सपेरिमेंट डज नॉट फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ द डोमिनेंस। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन डज नॉट अप्लाई इन दिस स्टेटमेंट यहीटा ही तबर कौन ना इनकरेक्ट कारण से प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस को से मानुनी से तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस आसूचे ना। तो तुम राइट आंसर हम कौन ना ऑप्शन सी which one of the following pair is incorrectly match. अच्छा incorrectly match को उठाई जे 100 टाइप टा हमर ग्रासोपर देखा जाय त मन देखि जो सेक्स डिटरमिनेशंस एबीओ ब्लड ग्रुप हला को डोमिनेंस देन असला टीएच मॉर्गन लिंकेज दैतिला बाकी रहला मल्टीपल एलिलिज्म्स सिंथेसिस ऑफ स्टार सिंथेसिस इन द पेयर एटा रिप्रेजेंट करेनी. अच्छा सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट. Spliceosome takes part. Asha, spliceosome take part in the translation. Punnett square was developed by a British scientist. Franklin Stoll coined the term linkage. Transduction was discovered by S. Ackman. देखो spliceosome takes part in translation ने कौन सी काम न था है. से pre translation ने तारा काम हो. बट हमारे post transcription ने तारा काम हो. ट्रांसलेशन ने तार कौन सी पार्ट नहीं आ जो स्प्लाइसोसोम्स तमर पिले जतबले गोटे एमआरएनए आसुची सेठी सिस्ट्रॉन आ इंट्रॉन दीटा पार्ट थाए तो सिस्ट्रॉन टा गुडी कहला सब कोडिंग पार्ट गुडा इंट्रॉन गुडी को सब नॉन कोडिंग पार्ट गुडा तो ये स्प्लाइसोसोम रो काम होला कोन से जांगे सही नॉन कोडिंग पार्ट बा तमर इंट्रॉन गुडी को सब काटि की अलगा कर दबो देखो स्प्लाइसोसोम मशीनरी बा बोली कहा जाई थाए. अच्छा देन आइला फ्रैंकलिन स्टॉल कॉइन द टर्म लिंकेज देखो पहले टीएच मॉर्गन ही लिंकेज रो टर्म देइतिले आ ट्रांसडक्शन वाज डिस्कवर बाय लेडरबर्ग जैंडिया एंड लेडरबर्ग समथिंग देन बाकी रह गेला कोन पुनेट स्क्वायर. पुनेट स्क्वायर ओना ब्रिटिश साइंटिस्ट ही देइतिले पुनेट एटा ही तमर करेक्ट आंसर. अच्छा which of the following character represent inheritance of the blood group आंको भीतर को कैरेक्टर तमरो कोन करूची ना ब्लड ग्रुप रो को ही इनहेरिटेंस ऑफ ब्लड ग्रुप को रिप्रेजेंट करूची कोटा गोटेला डोमिनेंस अछि को डोमिनेंस अछि मल्टीपल एलिजिम्स अछि आ होला इनकम्प्लीट डोमिनेंस 5 नंबर तमरो अछि कोन ना पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस तो देखो आदर करेक्ट सीक्वेंस कोन होबो आधुरु तमरो ए तीन रे जांको ही रिप्रेजेंट करू छी कारण इनकम्प्लीट डोमिनेंस रो कोनो सेडी चांस नाही जो जगह रे डोमिनेंट थिबो से तमरो कोन होबो त डोमिनेंस गुणटा देखैबो आ पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस रो काम होला कोन पॉलीजेनिक्स मींस डिफरेंट रीजन रे रहिथिबे जीन गुडी को बट गोटे कैरेक्टर से माने कोन करथवे रिप्रेजेंट करथवे तम स्किन कलर स्कर्नल कलर ऑफ वेट ए सब आसीबो त एठी तमरो आंसर होबो 1 2 एंड 3 त ऑप्शन बी होबो राइट आंसर. एबीओ ब्लड ग्रुप शो कोडोमिनेंस इनकम्प्लीट डोमिनेंस पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस प्लियोट्रोपी एबीओ ब्लड ग्रुप एबी ब्लड ग्रुप तमरा कोडोमिनेंस कारण ए भी तमरा एडी कोन करू डोमिनेंट कैरेक्टर रिप्रेजेंट करू छी बी भी तमरा डोमिनेंट कैरेक्टर कोन करू छी ना रिप्रेजेंट करू छी तो सेति पे आमे माने कहू छी ना कोडोमिनेंस मींस दी जन जाको मिसी की से माने को डोमिनेंट कैरेक्टर को कोन करू छी ना प्ले करू छी in pea plants green pod color is dominant over the yellow pods 100 seeds taken from a pea plant on germination produce 760 green pods and 210 yellow pods plant the parental genotypes and phenotype of these seeds parents plants are देखो पिले एटी तमर आसीबो कोन से पचला कोन ना गोटे pea plant रे ग्रीन पॉड कलर इज डोमिनेंट ओवर द येलो पॉड तो ग्रीन पॉड कलर टा डोमिनेंट होजी कहा ऊपर येलो पॉड ऊपर सेतरु हमें कोन 1000 टा सीड नेले नै ताको जर्मिनेशनस करैले सेतरु 760 टा ग्रीन पॉड तमरा आसीला 210 टा येलो पॉड आसीला द पैरेंटल जीनोटाइप्स एंड फेनोटाइप्स ऑफ द सीड प्लांट्स आर कोन हेतिबो ना तमरा हेटेरोजाइगस एंड ग्रीन सपोज 12 नंबर जदी हम एठी रिप्रेजेंट करिबा पिले देखो तो हाँ तो आमे माने ग्रीन कलर को पई दोचंती पॉड कलर पई जी आ पई दोचंती हमें कोन ना स्मॉल जी येलो कलर पई तो दी जन क्रॉस हेबे तो क्रॉस हेई आसीबो कोन हेटेरोजाइगस कोन हेटेरोजाइगस ग्रीन आसीबो ना देन एबे आको हमें कोन करिया जदी पुनेट स्क्वायर नै पकेइबा तले केमति आसीबो पूरा मोनो हाइब्रिड क्रॉस भलिया ओके तो एटा तमरा कैपिटल जी दीटा आसीबो एटा गोटे कैपिटल जी गोटे स्मॉल जी आ गोटे हला जी तो एटा हला तारा कौन पूरा जिनस। अच्छा तो यहाँ तुम आंसर हम कौन ना हेट्रोजाइगस एंड ग्रीन ये जो तुम मैंने देखिपुव हेट्रोजाइगस एंड ग्रीन। हेट्रोजाइगस मीन से दुईटांग डिफरेन्ट रही ग्रीन कहीं बिकज कैपिटल जी इज रिप्रेजेंट और डोमिनेट ओवर द येलो कलर्स। तो ये राइट आंसर हम बी। अच्छा तो नेक्स्ट स्लाइड को जीवा। Which one from those given below is the periods of Mendel's hybridization experiment? कोटा तुम 1856 1863 एटा ही आम साधारणतः मेंडेल्स ये रू ही साधारणतः देखिता ये 1856 रु 1863। द जीनोटाइप ऑफ ए हजबैंड्स एंड वाइफ्स आर वन एमंग द ब्लड टाइप ऑफ देयर चिल्ड्रेन हाउ मेनी डिफरेंट जीनोटाइप्स एंड फेनोटाइप्स आर पॉसिबल्स। माने बापा माँ ब्लड ग्रुप जहाँ थी पिलांक सहित सेम जदि हुए ताहले सेमानंक मध्यरे केतोटी जीनोटाइप और फेनोटाइप रो आसीबो। तो आमे माने गोटे पॉसिबल नौचंती गोटे हैला तमरो एओ आ गोटे हैला एबी। तो आमे मैंने क्रॉस करेगा देखिए कौन आसूचे। तो प्रथम आइला कौन ना होमोजाइगस ए देन आसला तुम कौन बी ओ बीओ। माने आम ये बापा माँ जो गुण आम से पाती पाइले एवं आमर पॉसिबल कौन ना केतुटा चारिटा जीनोटाइप आमर पाँच चार्टा जीनोटाइप ये गोटे ये गोटे ये गोटे आ तीनोटी फेनोटाइप आम पाँच कौन ना गोटे हैला ए सॉरी दीटा हैला ए गोटे ए बी आ गोटे हैला बी। तो आंसर हम तुम कौन ना 4 जेनोटाइप एंड 3 फेनोटाइप्स। अच्छा इफ 2 पीपल्स विथ ए बी ब्लड ग्रुप मैरी एंड हैव सफिशिएंट लार्ज नंबर ऑफ चिल्ड्रेन्स द चिल्ड्रेन्स कुड बी क्लासिफाइड एज ए बी ब्लड ग्रुप एंड ए ब्लड ग्रुप ए बी ब्लड ग्रुप एंड बी ब्लड ग्रुप in 1:2:1 ratio. Modern technique of the protein electrophoresis reveal the presence of both A and B type protein in AB blood group individual. This is an example of codominance. D type character कौन हो ना एक्सप्रेस हो तो सेटा कौन कोडोमिनेंस। ए ट्रू ब्रीडिंग प्लांट इज। अच्छा ट्रू ब्रीडिंग प्लांट कौन गोटे गछ केवल तारी धीरे ही कौन होता ना रिप्रोडक्शन सहित गोटे गछ केवल सेल्फ फर्टिलाइज क्रॉस पॉलिनेशन हेनी सेल्फ पॉलिनेशन होता तुम गोटे सपोज गोटे गोलाप गछ अच्छे केवल से गोटे गोलाप गछ ही प्रोडक्शन हे तादेह जहाँ भी तुम तुम जमी भी लगे पार से गोटे प्रकार हम ना गोटे आत गछ अच्छे केवल सेल्फ पॉलिनेशन से आत गचर फ्लावर आसार पर से फल हे पूरा सेम टाइप से मंजी पुणी से भाया गछ आसो मैंने तुम मैंने मटर गछ अच्छी हाइट वाला तुम प्योर ट्रू होमोजाइगस प्लांट दीटा कैपिटल टी थी तादर तुम सेल्फ फर्टिलाइजेशन तुम कर सेल्फ पॉलिनेशन कर टी 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 प्लांट तुम कौन प्योर हाइट वाला है आम कह ना ट्रू ब्रीडिंग। तो यहाँ आंसर हम कौन ना सी होमोजाइगस एंड प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग ऑफ इट्स ओन काइंड ता भाया निज भाया। ए टॉल ट्रू ब्रीडिंग गार्डन पिया प्लांट इज क्रॉस विथ ए ड्वार्फ ट्रू ब्रीडिंग गार्डन पिया प्लांट व्हेन द F1 प्लांट्स वेयर सेल्ड द रिजल्टिंग जीनोटाइप्स वेयर इन द रेशियो ऑफ नंबर 1:2:1 है टॉल हेट्रोजाइगस टॉल होमोजाइगस ड्वार्फ 3:1 है टॉल फाउ ड्वार्फ 3:1 है कौन ड्वार्फ इज टू टॉल 1:2:1 है टॉल होमोजाइगस टॉल हेट्रोजाइगस ड्वार्फ। तो तुम्हारा आंसर हम कौन ना डी। आम मैंने समस्त कारण से जीनोटाइप मेंशन कर जीनोटाइप मेंशन कर से फेनोटाइप मेंशन कर आम एटा को ये करता जेहेतु से जीनोटाइप मेंशन कर तो आमर आंसर हम कौटा यहाँ। अच्छा एवं मैच करवा कलम को कलम वार डोमिनेंस कोडोमिनेंस प्लियोट्रोपी आला पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस एथर अच्छे मेनी जीन्स गवर्न्स ए सिंगल कैरेक्टर इन ए हेट्रोजाइगोटिक ऑर्गेनिज्म ओनली वन एलील एक्सप्रेस इटसेल्फ इन एन हेट्रोजाइगस ऑर्गेनिज्म बोथ एलील एक्सप्रेस देमसेल्फ फुली इन सिंगल जीन इन्फ्लुएंस मेनी कैरेक्टर्स। अच्छा डोमिनेंस कौन कौन इन हेट्रोजाइगस ऑर्गेनिज्म ओनली वन एलील एक्सप्रेस इटसेल्फ इट इज ला डोमिनेंस। डोमिनेंस तुमर है कौन एटा तुमर है कौन ना दुई रे बुझीपार कि। अच्छा तुमर बी आइला है कौन कोडोमिनेंस इन हेट्रोजाइगस ऑर्गेनिजम्स बोथ एलील एक्सप्रेस देमसेल्फ फुली देन तापर सी है कौन प्लियोट्रोपी ए सिंगल जीन इन्फ्लुएंस बाय मेनी कैरेक्टर देन तापर पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस कौन ना मेनी जीन्स गवर्न ए सिंगल कैरेक्टर। तो तुम ऑप्शन ए हबो राइट आंसर। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस प्रपोज्ड बाय किए देइथिले क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस किए प्रपोज करते सटन एंड बोवेरी बैटसन एंड पुनेट्स टीएच मोर्गन वाटसन एंड क्रिक। तो आंसर हम तुम कौन ना सटन एंड बोवेरी ही देइथिले। एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस वाज डन बाय मोर्गन। मोर्गन डन करते तुम डिफरेंट डिफरेंट एक्स लिंक इनहेरिटेंस वाई आर व्हाइट आई और ड्रोसोफिला एक्सपेरिमेंट ये सब जाक तुम मोर्गन कर प्रूफ करते। तो ये तुमर किसी क्वेश्चंस मैं आशा करुच्ची या तुमर एग्जाम प्रिपरेशन तुम मानू साज कर। तो आम मैंने नेक्स्ट क्लास रे आउ किसी क्वेश्चन नहीं तुम मान कति आसवि किसी क्वेश्चन आम मैंने डिस्कसन करवा। तो से पर्यंत गुड बाय भल से रुह मुंड थंडा करी पढ़ यदि किसी डाउट अच्छी तुम मैंने कमेंट कर। ओके थैंक यू सो मच क्लास।